ई ई एफ सेकंड रूट जी फर्स्ट जी सेकंड जी रूट ए आइदर दिस इज रूट और दिस इज वन दिस इज टू दिस इज अगेन रूट. एक ट्रायड को हम तीन तरीके से होल्ड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रूट पोजीशन ट्रायड. जैसे आपने सी कोड पकड़ी, जैसे सी ई जी, दिस इज सी ई जी, तो इसे बोलते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रायड बट दिस इज अ रूट पोजीशन ट्रायड. देन उसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ ट्रायड. तो फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होता है, फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होता है कि ये सी सपोज आप इरेज कर देते, ऐसे लिखो आप सी सेम यू नोट सेम बट यू विल रिमूव दिस सी एंड दिस सी विल गो हायर. तो ई इज़ नाउ बेस, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ ट्रायड. स्टिल दिस इज अ सी मेजर कोड. देन यू कैन राइट फर्स्ट इन्वर्जन लाइक दिस एंड यू रिमूव ई नाउ एंड यू राइट ई हेयर. नाउ ई इज ऑन द टॉप, सो जी सी ई, दिस इज सेकेंड इन्वर्जन ऑफ ट्रायड. स्टिल दिस इज अ सी मेजर कोड. तो अगर आपके पास जैसे ये कोड होती पहली जी सी ई, तो आपको कोई पूछे व्हाट इज जी सी ई, स्टिल दिस इज सी मेजर कोड ओनली. तो जैसे आपको कोई पूछे व्हाट इज दिस कोड ई जी सी, स्टिल दिस इज अ सी मेजर कोड. दिस इज फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सी मेजर कोड, दिस इज सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सी मेजर कोड, दिस इज अ रूट पोजिशन ऑफ सी मेजर कोड. हमें फर्स्ट इन्वर्जन और सेकेंड इन्वर्जन भी याद करना होता है. बेसिकली वी मेमोराइज पोजिशंस एज वेल, पोजिशंस हेल्प सो मच. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू आफ्टर द क्लास. तो सेम वे में अगर आप यहाँ पे ई का ई फ्लैट बना देते हो एंड दिस इज देन सी माइनर कोड, देन दिस इज ए सी माइनर फर्स्ट इन्वर्जन, दिस इज सी माइनर सेकेंड इन्वर्जन, राइट. तो आज हम सिर्फ मेजर और माइनर के ही करेंगे. नाउ वी विल होल्ड दिस पोजिशन ऑन गिटार. तो जैसे आप सिंपली आप पकड़ते जैसे सी सी जी सी, तो जैसे कोड, राइट. तो इसको अलग तरीके से पकड़ने का तरीका क्या है, तो आपको पहले मेमोराइज करना कि दिस शेप्स ऑफ इन्वर्जन. तो रूट पोजीशन की जो शेप होती है, और हम ट्रायड कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट थ्री स्ट्रिंग पे, आज वन टू थ्री स्ट्रिंग पे ट्रायड कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो वी विल डू ऑन द टू थ्री फोर, देन थ्री फोर फाइव एंड फोर फाइव सिक्स एज वेल. तो पहले जो तीन स्ट्रिंग्स है वन टू थ्री, इस पर जो रूट पोजीशन ट्रायड होता है कोई भी ट्रायड, दैट इज द पोजीशन, दिस इज पोजीशन. तो दिस इज सी ई जी, दिस इज रूट. तो आप क्या कर सकते हो, आप मेमोराइज करो सारे नोट्स के नाम थर्ड स्ट्रिंग पे. जैसे थर्ड स्ट्रिंग पे ये सी है, तो अगर आप थर्ड फिंगर सी पे रखते हो देन उसके नीचे पिंकी और यहाँ पे जी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज रूट पोजीशन. यू कैन प्ले लाइक दिस ऑल्सो. ये है फर्स्ट जो ये है रूट पोजीशन की शेप, इसको याद करना आपको, ऐसी होती है. अगर आप डी चे ले जाओगे तो ये डी बन जाएगी, ये ई, दिस इज एफ, दिस इज जी. तो आपको ये मेमोराइज करनी है ये पोजीशन. देन हाउ फर्स्ट इन्वर्जन लुक्स लाइक, फर्स्ट इन्वर्जन के लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग पे नोट ढूंढना है, दिस इज वेरी इजी. तो मेरे को फर्स्ट स्ट्रिंग पे सी ढूंढना है, दिस इज सी, आई नो एट्थ फ्रेट, तो दिस इज पोजीशन. तो मीन्स एट्थ फ्रेट ही प्रेस करना फर्स्ट स्ट्रिंग पे, एट्थ फ्रेट ही प्रेस करना सेकंड स्ट्रिंग पे एंड नाइन्थ फ्रेट प्रेस करना थर्ड स्ट्रिंग पे विद द सेकंड फिंगर. सो दिस इज फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सी मेजर कोड, आपको याद करना है. सपोज दिस इज जी, यू नो थर्ड फ्रेट इज जी, तो आप सेम पोजीशन यहाँ पे पकड़ते हो, तो दिस इज जी मेजर कोड, राइट. सी एफ जी, तो ये आपको पोजीशन ऐसे याद करनी है. नाउ थर्ड पोजीशन इज सेकंड इन्वर्जन. तो सेकंड इन्वर्जन की पोजीशन क्या होती है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड. जैसे डी कोड पकड़ते हो ना, दिस इज सेकंड इन्वर्जन ऑफ डी मेजर कोड. सेकंड इन्वर्जन के लिए यू हैव टू फाइंड रूट नोट ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट इन्वर्जन के लिए यू हैव टू फाइंड रूट नोट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, और फर्स्ट इन्वर्जन के लिए यू हैव टू फाइंड रूट नोट ऑन द थर्ड स्ट्रिंग.
तो नाउ वी आर डूइंग सेकंड वर्जन, तो मेरे को पता सी इज दिस, तो दिस इज डी शेप. यू कैन प्ले हेयर ऑल्सो, बट हम ओपन स्ट्रिंग नहीं प्ले कर रहे बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प फॉर अदर कोड्स. तो यू हैव टू मेमोराइज दिस शेप. सो फर्स्ट इन्वर्जन के लिए दिस शेप, सेकेंड के लिए दिस, एंड रूट के लिए दिस. नाउ वी विल प्ले ऑल द कोड्स. सो सी लाइक सी, देन सी फर्स्ट, देन सी सेकेंड, नाउ डी. डी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड वर्जन, देन डी root, then D first, then E. So E we can start with the second inversion. E one can play like this also, पर open ही play करेंगे हम. So E will start with the second inversion, then E, then E first inversion. This is first E. अब ये first inversion कैसे है, because I know this is E, E is on the first string, तो ये first inversion बन जाएगा, पोजीशन मेरे को याद है. और अगर थर्ड स्ट्रिंग पे ई है यहाँ पे, सेवन्थ फ्रेट पे, नाइन्थ फ्रेट पे सॉरी, तो अगर मैं ये पोजीशन पकड़ूंगा तो दिस इज रूट पोजीशन. अगर सेकंड स्ट्रिंग पे ई है तो मैं डी शेप पकड़ूंगा, दैट इज सेकंड इन्वर्जन ऑफ ई. नाउ एफ, फॉर एफ आई नो दिस इज एफ फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग पे एफ है तो दिस इज फर्स्ट इन्वर्जन. नाउ सेकंड स्ट्रिंग पे एफ आएगा, सेकेंड इन्वर्जन, देन एफ इज ऑन द थर्ड स्ट्रिंग हेयर, थर्ड इन्वर्जन रूट पोजिशन सॉरी. नाउ जी, जी इज ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट इन्वर्जन, जी इज ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड इन्वर्जन, जी ऑन द थर्ड, देन रूट पोजिशन. आफ्टर जी ए, सो ए यू कैन होल्ड लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज रूट पोजिशन बिकॉज ए इज ऑन द थर्ड. ए अगर ओपन नहीं प्ले करनी तो देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली ए इज फर्स्ट इन्वर्जन, क्योंकि ए इज ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. देन ए इज ऑन द सेकंड स्ट्रिंग हेयर, तो सेकंड इन्वर्जन डी शेप, देन रूट पोजीशन, ये वाला जो ए इज ऑन द थर्ड स्ट्रिंग 14th फ्रेट. तो सी 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 डी 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 ई ई एफ सेकंड रूट जी फर्स्ट जी सेकंड जी रूट A either this is root or this is 1, this is 2, this is again root, then B, B is just this, जैसे ये C था, then B, B first, B second. तो आप इसकी प्रैक्टिस करो मेट्रोनोम के साथ. दिस वॉज ऑल मेजर ट्रायड्स. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे माइनर ट्रायड कैसे प्ले करते हैं. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. Still, if you have any doubt, you can ask in comment section.